महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसी वजह से कहीं ना कहीं देश में ये मुद्दा एक और बड़ा रुख लेता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के मुद्दे को उठाए हुए है, चाहे वो पेट्रोल के दाम हो, चाहे वो डीजल के दाम हो, या चाहे फिर वो LPG के दाम हो। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिशों में लगी हुई है और बीजेपी सरकार सिर्फ अपने बचाव में दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के पास ऐसा कोई मास्टर प्लान नज़र नहीं आता जिससे बढ़ती महंगाई को रोका जा सके। बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 11 साल पुराना ट्वीट शेयर किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि LPG के दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और ये खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं, शर्म करो। ऐसा कुछ लिखा था स्मृति ईरानी ने 2011 के अपने ट्वीट में। उस वक्त बीजेपी की सरकार विपक्ष में थी और कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि उस वक्त में और इस वक्त में काफ़ी अंतर है। दाम भी दुगने हो चुके हैं और लगातार आम आदमी की जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी सरकार पर हमलावर होते हुए और स्मृति ईरानी पर हमलावर होते हुए रणदीप सुरजेवाला ने इस ट्वीट के बारे में लिखा है कि कुछ तो शर्म करो। इस तरह की बातें इस वक्त दोनों दलों के बीच में चल रही हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में चल रही हैं, खींचतान देखने को मिल रही है और ये खींचतान कहाँ तक जाती है और इसमें जनता को क्या कितना पिसना पड़ेगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार बढ़ते दामों से लगातार दामों में हो रही बढ़ोतरी से आम जनता बेहद परेशान है। पेट्रोल डीजल और LPG के दाम लगातार बढ़ रहे हैं जिससे लोगों की रोज़ाना की ज़रूरतों पर खासा असर देखने को मिल रहा है। तो क्या बीजेपी सरकार के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई मास्टर प्लान है, या फिर जिस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद अचानक से महंगाई आसमान छुएगी, वो बात सच होती नज़र आ रही है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।